एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मानसी। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाने वाली हूँ जो नॉर्मली वुड से या फिर MDF बोर्ड से या वुडन प्लैंक से बनाई जाती हैं, पर आज मैं कुछ ऐसे आइडिया शेयर करूँगी जिससे आप इन्हीं सारी चीज़ों को बिना वुड के बना सकते हैं। और इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ आपके घर का वेस्ट मटेरियल यूज़ होने वाला है, और देखने में भी ये कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसको वेस्ट मटेरियल से बनाया है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने सच में वुड का ही यूज़ किया है इन सारी चीज़ों को बनाने में। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास एक मोटा सा फोम बोर्ड रखा हुआ था, किसी चीज़ की पैकिंग के साथ ही निकला था, तो मैंने इसको रख लिया था, तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं एक लंबा सा एक पीस इसमें से कट करके निकाल लूँगी कुछ इस तरीके से। अब इसके बेस को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक मोटा पेपर इसके ऊपर स्टिक कर दे रही हूँ। और ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा मोटा फोम बोर्ड नहीं है तो आप कोई भी कार्डबोर्ड लेके उसको 3-4 लेयर में स्टिक कर सकते हैं, या फिर आप थर्माकोल शीट भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो इस तरह के ब्राउन पेपर आते हैं, यूजुअली जब हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं उसमें ऐसे पेपर निकलते हैं, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इससे मैं इस फोम बोर्ड को कवर कर लूँगी, और मैंने फेविकॉल से इसको स्टिक कर लिया है। तो आज के DIYs में फेविकॉल का बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाला है, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि फेविकॉल बहुत जल्दी सूख जाएगा। और हाँ, गर्मी से एक बात याद आ गई, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों शूट कर रही हूँ। तो एक्चुअली जो मेरा स्टूडियो वाला रूम है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और मैंने आपको दिखाया भी था कि वहाँ पे बिल्कुल सामने से सनलाइट आती है, और आपको तो पता ही है कि इतनी हीट और सन एक्सपोजर की वजह से स्किन डैमेज की चिंता भी होती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, सनबर्न और पिगमेंटेशन की भी समस्या होती है गर्मियों में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मामा अर्थ ने लॉन्च किया है एलो अश्वगंधा रेंज, विच गिव्स यू यूथफुल ग्लोइंग स्किन। इसमें है नेचर के 2 बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, एलोवेरा एंड अश्वगंधा, और आप इसको डेली बेसिस पे भी बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, विच इज़ प्रूफ ऑफ नो टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स। सो लिबरली अप्लाई द जेल ऑल ओवर द फेस एंड नेक, और इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। एलोवेरा हाइड्रेट्स एंड नरिश द स्किन, और जो अश्वगंधा है वो एंटी ऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है, इट फाइट्स विद फ्री रेडिकल डैमेज एंड गिव्स योर यूथफुल ग्लो। साथ ही इसमें है विटामिन ई, इट इंटेंसली नरिशेस द स्किन एंड प्रिवेंट्स द साइंस ऑफ एजिंग, और ग्लिसरिन जो कि स्किन के एसेंशियल मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इट कम्स विद अ लाइट वेट फॉर्मूला विच क्विकली अब्सॉर्ब्स इनटू द स्किन, गिविंग यू एन एवर लास्टिंग ग्लो। इसके साथ मैं एलोवेरा फेस वॉश भी यूज़ कर रही हूँ, जो कि स्किन को जेंटली क्लीन करता है। और इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की अच्छी चीज़ ये है कि इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एंड जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है स्किन बहुत ही रिफ्रेश्ड और ग्लोइंग फील करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप मामाअर्थ से कोई प्रोडक्ट लेते हो तो दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन देयर वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। एंड ऑल्सो इट इज़ प्लास्टिक पॉजिटिव, यानी कि जितना प्लास्टिक वो यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक वो रिसाइकिल भी करते हैं, एंड नाउ दे रिसाइकिल ओवर 240 एम्प्टी प्लास्टिक एवरी मंथ। और इनके प्रोडक्ट्स Amazon, Nykaa, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे भी अवेलेबल हैं। और मामाअर्थ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहाँ पे यूजर्स विल गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड MH2022 यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट ओनली ऑन मामाअर्थ वेबसाइट एंड ऐप। सो इट्स टाइम टू से एलो टू ग्लो विद मामाअर्थ एलो अश्वगंधा जेल। तो यहाँ पे मैंने 3 फोम के पीसेस को इसी तरह ब्राउन पेपर से कवर कर लिया है, और अब मैं ब्राउन एक्रिलिक कलर ले रही हूँ और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से कुछ ब्रश के स्ट्रोक्स इस पर दे रही हूँ। तो मैं इसको एंटायरली पेंट नहीं कर रही हूँ, बस थोड़े थोड़े से स्ट्रोक्स यहाँ वहाँ दे रही हूँ, और बस हमें कुछ इसी तरीके का इसे रखना है। और अब साइड में मैं वाइट कलर लेके इसे स्पंज की हेल्प से इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, और इसे भी मैं फुली कवर नहीं करना है, बस साइड में हल्का हल्का सा अप्लाई करना है। अब मुझे इन तीनों प्लैंक्स पे अलग अलग ये 3 वर्ड्स लिखने थे, तो पहले मैंने इसको पेपर पे लिख लिया है, और अब मैं इसको प्लैंक के ऊपर, एक्चुअली सॉरी ये प्लैंक नहीं है, ये एकदम प्लैंक जैसा दिखने लगा है, तो मेरे मुंह से भी बार बार प्लैंक ही निकल रहा है। तो ये जो हमारा पीस है इसके ऊपर मैं रख के इसे ट्रेस कर लूँगी,
तो ट्रेस करने के बाद शायद ये स्क्रीन पे उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट जब मैं इसको वाइट कलर से पेंट करके लिख लूँगी तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। तो मैंने इसको ट्रेस कर लिया है और वाइट एक्रीलिक कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से इस पर पेंट कर ले रही हूँ, यानी कि लिख ले रही हूँ। तो अगर आपको ऐसे लिखने में दिक्कत होती है तो आप प्रिंटआउट निकलवा के वापस इसको ट्रेस कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये तीनों पीस रेडी कर लिए हैं। अब हमें इन तीनों को ज्वाइन करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ये मेरे पास रोप रखी हुई थी, आप कोई भी जूट रोप या कॉटन रोप ले लीजिए और उसकी हेल्प से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो क्योंकि ये सिर्फ फोम और पेपर से बना है तो ये काफ़ी हल्के हैं, तो इसको मैनेज करना बहुत ही इजी है। आप बाद में जब इसको कहीं भी हैंग करेंगे तो भी आप इजीली इसको हैंग कर सकते हैं, सिंपली आप इसको टेप से भी स्टिक करके चिपका सकते हैं। तो पहले मैं रोप को टेप से फिक्स कर ले रही हूँ ताकि हमें आइडिया लग जाए कि कहाँ कहाँ पर हमें इसे स्टिक करना है। और जो नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं एक कॉम्ब की हेल्प से इस रोप के सारे थ्रेड्स को खोल लूँगी कुछ इस तरीके से, जिससे ये एक टेसल की तरह दिखाई देगा। और अब मैं बाकी जगह इसको ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर ले रही हूँ। तो वैसे तो आप सिंपली इसको टेप से भी स्टिक कर सकते हैं, बट मैंने ग्लू गन लगा दी है ताकि ये ज़्यादा अच्छे से फिक्स रहे। और ये हमारा DIY बनके तैयार है। सो थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। और ये DIY डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा ही कुछ मैं फील करती हूँ जब आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोगों का इतना सारा सपोर्ट मुझे मिलता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट DIY के लिए मैं एक बड़ी सी टेबल रैक बनाने वाली हूँ, मतलब टेबल कम रैक होने वाली है ये। तो इसके लिए मैंने एक ये कार्डबोर्ड का पीस लिया है। तो मेरे पास इस शेप का कार्डबोर्ड था, आपके पास अगर ये नहीं है तो आप कोई बड़ा सा कार्डबोर्ड लेके उसे इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी काफ़ी थिक कार्डबोर्ड था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी टेबल बनाऊँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसके साइड्स को इस तरह से एक जो वॉलपेपर आते हैं उससे कवर कर लिया है। तो थोड़ा सा ये स्टिकर छोटा पड़ रहा था इसके साइज़ के हिसाब से, तो बाकी का भी मैं इसको कवर कर लूँगी। तो ये वॉलपेपर सेल्फ एडहेसिव होते हैं, इसमें बस पीछे एक लेयर लगी होती है पेपर की, उसको निकाल के आपको सिंपली इसे स्टिक कर देना होता है। अब मैंने कार्डबोर्ड से इस तरह के छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं लंबे लंबे, और इस तरह के चार पीसेस मैं आपस में पेस्ट कर दे रही हूँ तो हमें एक इस तरीके का पीस मिल जाएगा। तो इसी तरह के कई सारे पीसेस मैंने बना लिए हैं। और अब जो ये पीस कार्डबोर्ड का था बड़ा सा, उसके साइड साइड में मैं कुछ इस तरीके से इन पीसेस को पेस्ट कर दूँगी। तो अच्छे से फेविकॉल लगा के हमें इसे स्टिक कर देना है। और अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मेरा काम अभी तक चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने ये छोटे छोटे पीसेस यहाँ पे स्टिक कर लिए हैं। अब मैं एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ले रही हूँ और उसमें कुछ बड़े बड़े पीसेस मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। तो टोटल 3 पीस मैंने कट किए हैं और तीनों को मैं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अच्छे से फेविकॉल लगा के पेस्ट कर दूँगी। तो एक ये थिक बेस हमें मिल जाएगा। तो एक्चुअली मैंने जितने भी इसमें पीसेस बनाए हैं उसमें मैंने 3 या 4 कार्डबोर्ड आपस में स्टिक किए हैं ताकि जो हम रैक बना रहे हैं वो काफ़ी मजबूत हो और उस पर जो भी हम सामान रखें तो ये जो कार्डबोर्ड है वो बेंड ना हो बाद में। तो इसे भी मैंने कवर कर लिया है। तो एक्चुअली मेरे पास ग्रे और वाइट 2 वॉलपेपर थे तो मैंने दोनों को यूज़ करके 4 इस तरह के पीसेस रेडी कर लिए हैं। और 2 पीसेस को तो मैं बीच में स्टिक कर दूंगी और जो बेस वाला पीस है उसके नीचे मुझे 4 स्टैंड लगाने थे तो मैंने एक कार्डबोर्ड रोल से इस तरह के 4 छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए और इसे भी मैं अच्छे से कवर कर लूंगी। तो इसमें कुछ इस तरीके से कट लगा के मैंने अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा पेपर था उसे फोल्ड कर दिया और इसे अच्छे से कवर कर लिया। तो 4 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं और जो बेस वाला पार्ट है उसके नीचे मैं इन 4 पीसेस को फेविकॉल से अच्छे से स्टिक करके रख दूंगी। तो जो हमारा बेस वाला पार्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो आप चाहें तो इस तरीके का एक पार्ट ऐसे भी बना के यूज़ कर सकते हैं, जैसे मंदिर में हम आसन वगैरह बनाते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब मैं इस बेस के ऊपर जो बड़ा वाला कार्डबोर्ड था उसको फेविकॉल से पेस्ट कर दूंगी और अब ऊपर वाला पार्ट भी मैं कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी। तो सारे DIYs के लिए मैंने फेविकॉल SH यूज़ किया है, जो कि फर्नीचर वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है। सो ये हमारी रैक बनके रेडी है।
तो फिलहाल तो मैं जो भी DIYs बनाती हूँ वो मैंने इसमें रख के डेकोरेट किए हैं, या फिर आप इसे स्टोरेज पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। घर में जो सीलिंग फैंस लगाए जाते हैं वो यूजुअली इसी तरह के डिब्बे में आते हैं, तो ऐसा एक डिब्बा मेरे पास भी रखा हुआ था, तो आज मैं इसको अपने एक DIY के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो क्योंकि ये डिब्बा अंदर से खाली है तो ज़्यादा स्टर्डी नहीं रहेगा, तो सबसे पहले तो इसके अंदर मैं कुछ स्टफ़ कर दूँगी। तो यही जो फोम बोर्ड था मैं अगेन इसको यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसके अंदर न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड या कोई भी जो आपके पास वेस्ट मटेरियल हो वो इसके अंदर आप फिल कर दीजिए। तो मैंने तो ये फोम बोर्ड इसी के साइज़ का कट कर लिया है और इसके अंदर मैं अच्छे से इसको फिल कर दूंगी, और बिल्कुल इसी के एग्जैक्ट साइज़ का था तो काफ़ी अच्छे से इसके अंदर आ गया। और अब मैं इसको टेप से चिपका के बंद कर दूंगी, तो ये एक अच्छा सा बेस रेडी हो गया है और अब मैं इसे भी कवर कर लूँगी। तो अगर आप इन चीज़ों को कवर नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको एक्रीलिक कलर से पेंट कर लीजिए, बट क्योंकि ये सारे DIYs मैं आज इतने बड़े बड़े बना रही थी तो इतने बड़े बड़े पीसेस को पेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने सिंपली इसको कवर कर लिया। और अब इसके चारों कॉर्नर्स पे मैं इस तरह से होल कर लूँगी और इसके बाद मैं इस वाइट पेपर से इसको कवर कर लूँगी अच्छे से। सो अगेन मैं इसके लिए फेविकॉल SH यूज़ कर रही हूँ, आप इसके लिए भी वॉलपेपर मंगा सकते हैं और उससे इसको कवर कर सकते हैं, बट मैंने इतना सारा यूज़ कर लिया था कि वो ख़त्म हो गया था, तो इसको मैं पेपर से ही कवर कर रही हूँ। तो एक्चुअली आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि मैं इतने सारे DIYs बनाती हूँ, मैं उनको रखती कहाँ हूँ। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ होती ही थी कि इतने सारे DIYs रखने के लिए जगह कम ही पड़ जाती थी। तो आज मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रही हूँ जिसमें मेरे DIYs अच्छे से मैं उसको डिस्प्ले कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने वो रैग बनाई थी और एक और ये हैंगिंग शेल्फ बना रही हूँ जिसपे मैं DIYs अपने डेकोरेट कर सकूँ। तो पेपर के ऊपर भी हम होल्स बना लेंगे और मैं फिर से वही अपनी रोप यूज़ कर रही हूँ जो मैंने फर्स्ट DIY में यूज़ की थी, एंड चारों होल्स में मैं इसे इंसर्ट करके ऊपर की साइड एक नॉट बना दूँगी। तो इसके लिए आप जूट रोप, कॉटन रोप, कोई भी रोप हो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि ये अच्छे से होल्ड कर सके। सो ये रहा इसका फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।